चलो सो लास्ट लेक्चर वी आर स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. स्पीड क्या क्या डिस्कस किया था याद है कल के लेक्चर में? स्पीड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन हो गया था. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेलोसिटी. जिनका पेपर बाकी है आफ्टर लेक्चर दे दो आप. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. राइट डाउन वेलोसिटी. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी. अगेन फॉर्मूला सेम होगा, गिवन बाय एस अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. गिवन बाय एस अपॉन टी यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. डायमेंशंस क्या होंगे? एल वन टी माइनस वन. एंड स्केलर होगी वेक्टर. वेक्टर स्पीड स्केलर थी तो वेलोसिटी वेक्टर. राइट डाउन इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. और डिस्प्लेसमेंट की कहाँ पे होती है डायरेक्शन? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन. तो वेलोसिटी भी कहाँ पे एक्ट होगी? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन. ठीक है. तो देखो बेसिकली स्पीड एंड वेलोसिटी में उतना ही डिफरेंस है जितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में था. म्हणजे आपण स्पीडच्या रिलेटेड जेवढे पण क्वेश्चनचे टाईप्स बघितले तोच पार्ट रिपिटेशन आपल्याला वेलॉसिटीमध्ये पण बघायचं आहे. फक्त प्रत्येक वेळी काय करावं लागेल? जहाँ पे डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करते ते वहाँ पे स्पीड डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करना पडेगा. सो राईट डाऊन इफ एन ओल्ड एज पर्सन कंप्लीट्स अ सर्क्युलर राउंड ऑफ रेडियस 20 मीटर इन 4 सेकंड. देन कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी. वेरी गुड. चलो करो, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो. माइनस है ते कोण म्हटलं पाय म्हणून? नाही पाय म्हणून कोण म्हटलं? कोण म्हटलं पण? मी व्हेरी गुड म्हटलो म्हणते बरोबर झालं का? किती आली तुझी वेलोसिटी? 0. एक राऊंड कंप्लीट हो रहा आहे मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन सेम होगी मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा मतलब वेलोसिटी विल बी 0. अरे पागल बत्ती. ठीक है, वेलोसिटी विल बिकम 0. एंड व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस. एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 पाई आर. आर कितनी दी है? 20. तो डिस्टेंस बना 40 पाई. टाइम कितना है? 4. तो स्पीड बनेगी 40 पाई बाय 4 यानी 10 पाई मीटर पर सेकंड. कर लो वेलोसिटी कैसे आ गई, स्पीड कैसे आ गई. कोमल आले थे आंसर्स. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और बोला है कि सेम पर्सन है अगर वो कंप्लीट कर रहा है 4 राउंड. इफ ही कंप्लीट्स 4 राउंड देन कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी. परत वेलोसिटी 0 क्योंकि राउंड कंप्लीट हो रहा है मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है. अब स्पीड कैलकुलेट करो. आगे आंसर नहीं, टाइम म्हणजे एका राउंडला 4 सेकंड. 4 राउंडला किती येईल मग? 16. देखो एक राउंड में 2 पाई आर, तो 4 राउंड में कितना? 8 पाई आर. टाइम कितना होगा एक राउंड के लिए? 4. ये आर 20 दिया. हाँ आर टाइम एक राउंड के लिए 4, तो 4 राउंड के लिए
16, तो ये 1, ये 2, ये 10, अगेन स्पीड विल बी, मतलब बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब अगर सेम क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि सेम पर्सन ट्रैवल्स फॉर 22 सेकंड, राइट ऑन, इफ ही ट्रैवल्स फॉर 22 सेकंड, देन वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी 0, स्पीड, अरे 1.8 मीटर पर सेकंड, काय होते है, वेरी गुड, करेक्ट। डेटा हाच आहे, रेडियस एवढीच आहे, फक्त टोटल टाइम 22 सेकंड दिला आहे, एका राउंडला 4 सेकंड लागतात। कोमल सांगायचं सर पटकन, आरती अलेक प्रथमेश सर सोडून मग बडरी शुभंकर कोमल कोमल गुड मॉर्निंग, येत नाही का आज, हां नाही येते, सोडवले ना बेटा आपण अगोदर पण, हे बघा 4 सेकंदमध्ये 1 राऊंड, 8 सेकंदमध्ये 2 राऊंड, 12 में 3 राउंड, 16 में 4 राउंड, 20 में 5 राउंड कंप्लीट हो गए। अभी टाइम कितना है, 2 सेकंड है ना, 22 होते त्यापैकी 20 संपले, किती शिल्लक राहिले, तो 2 सेकंड में वो क्या करेगा, हाफ राउंड कंप्लीट करेगा, हाफ राउंड कंप्लीट करेगा, कळालं। माता याचा अर्थ काय होईल, इनिशियली ए पे है, फाइनली बी पे है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 2R, R 20 थी, मतलब ये बनेगा 40 मीटर। टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड, टाइम हर बार टोटल लेना पड़ता है, कड़ा ना, उसकी मोशन स्टार्ट होने से, यस, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए 40 अपॉन लेना पड़ेगा 22, करा डिविजन, 1.8 का 1.9 मीटर पर सेकंड। मनमत वेरी गुड, मनमत फक्त स्पीड म्हटला होता, बट त्याने आंसर करेक्ट कॅल्क्युलेट केलं होतं। अब स्पीड के लिए क्या होगा, देखो 1 राउंड में 2 पायर, 2 राउंड में 4 पायर, 3 राउंड में 4 राउंड में 5, 5 राउंड में कितना होगा, 10 पायर, तो यहाँ पे होगा 10 पायर, एंड आधे राउंड में 1 पायर, तो 10 प्लस 1 11, तो ये स्पीड बनेगी 11 पायर अपॉन, टाइम कितना लेना पड़ेगा, 22, तो कितना बनेगा ये, 10 पाई मीटर पर सेकंड। मनमत हे पण करेक्ट होतो, अख्ख्या क्लासमध्ये फक्त मनमत चेंज राहिले, दोन्ही पण बरोबर होतं पण बरोबर, काय करताय तुम्ही कोमल, तुला हे कळत नाही आहे, तुला करोना झाला होता बेटा कोमल, डोक्याचा करोना झाला होता तुला, आरती समजलं, मनमत व्हेरी गुड, कांदाची टोले मारली बरोबर लिहास काय झालं, कळलं का किती हुशार आहे तो। चला नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन आहे, और बोलाय की सेम पर्सन ट्रॅव्हल करणार आहे फॉर 30 सेकंड, कॅल्क्युलेट स्पीड अँड वेलॉसिटी। काय आहे वेलॉसिटी आणि स्पीड, वन पॉइंट किती म्हटला, ती वेलॉसिटी बेटा, तू चुकतंय फक्त, ही वेलॉसिटी, आता स्पीड का, कोमल कळेल ना आता परत तेच, हे बघा 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 4 सेकंड लग रहे, तो 28 सेकंड में वो क्या करेगा, 7 राउंड कंप्लीट करेगा, अगर 7 राउंड कंप्लीट हो गए, मतलब जहाँ पे था वहीं पे आएगा, सो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसके पास कितने बचे, 2 सेकंड,
इसमें को क्या करेगा, आधा चक्कर कंप्लीट करेगा, यानी अगेन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 2R, नहीं ना 0 × 2R, 2R मतलब 40 मीटर। और टाइम कितना लेना पड़ेगा, तो वेलोसिटी विल बी 100 कितनी होगी फिर, ठीक है, एक राउंड का 2πr, 7 राउंड का 14πr प्लस आधा राउंड का, तो टोटल आ रहा है 15πr अपॉन टाइम कितना है 30, r 20 है, तो 0 0 गेट कैंसल, 15 × 2 30/3 मतलब 10π, 900 कस का बरोबर सांगतो तू सांगितलं ते, पण स्पीड काढायला टोटल डिस्टन्स किती कवर केलं ते काढायचं, मग एका चक्कर मध्ये 2πr असे किती चक्कर कंप्लीट करतोय तो 7, हे कसं कळालं, जस 4 ला 1 तर 8 ला 2 तर 12 ला हे कळतं ना, ठीक आहे, येईल का दादा। नेक्स्ट, सेम पर्सन आहे, सेम राउंड आहे, नाऊ आपको बोला है ही ट्रैवल्स फॉर 50 सेकंड, कैलकुलेट दिस सॉरी वेलोसिटी एंड स्पीड, क्या बात है, वेरी गुड, ये क्या है वेलोसिटी, आता स्पीड का मारा 7 कसा रही, चला नेहा गौरंगी आंसर सांगत चला पटपट, स्पीड 10, वेरी गुड, बरोबर आहे मनमत, अरे मनमत का बॉर्नविटा पितोय का रामदेव बाबा, कुठला चूर नाही बेटा, एवढा कसा हुशार झाला तू एकदम, परत मी तुला काहीच कळत नाही अजून, पण टाइम कितना है 50 सेकंड, बराबर, आता या 50 जर आप 4 ने डिवाइड के किती येतं 12.5, याचा अर्थ काय होतो 12 राउंड कंप्लीट, मग राउंड कंप्लीट होता है म्हणजे डिस्प्लेसमेंट 0 ही आएगा, 0.5 मतलब आधा राउंड, आधा राउंड मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के ऊपर, यानी फिर से डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 2R मतलब 40 मीटर, टाइम कितना है 50, तो वेलोसिटी कितनी होगी 40/50, यानी 0.8 मीटर पर सेकंड, अरे राउंड किती झाले 12, मग एका चक्कर मध्ये 2πr, दोन चक्कर मध्ये 2 × 2πr, तीन मध्ये 3 × 2πr, तो 12 मध्ये 12 × 2πr म्हणजे किती झाला 24πr, बरोबर, बट अजून अर्धा राउंड आहे, मग 24πr अर्धा राउंडचा πr किती येईल, ये बनेगा 25πr, r है 20, डिवाइड बाय कितनी 50, कैंसल कैंसल, ये 5 × 2 मतलब फिर से 10π, हेलो दो मन मत पॉम मध्ये आज, चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी आफ्टर 64 सेकंड, जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव, वेरी गुड, काय होतं हे, आता चुकलं, झिरो, क्योंकि 64/4 करके कितना आ रहा है 16, मतलब 16 राउंड कंप्लीट हो रहे, राउंड कंप्लीट होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0, आता स्पीड काढायला, एक राउंड का 2πr, तो 16 राउंड का 32πr, तो 32 × π, आर कितना है 20, टाइम कितना है 64, एक दोनों कैंसल कैंसल, कितना बचा 10π, ये हो गए स्पीड, पढ़ो। नेक्स्ट, इफ इट ट्रैवल्स फॉर 100 सेकंड, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी,
velocity 0, very good. And speed, टेन पाए. कैसे ये बगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 राउंड कंप्लीट. पर एक राउंड का 2 पाए, तो 2 राउंड का तो 25 राउंड का 25 इंटू 2 पाए. आर कितना है 20, टाइम कित दिला है 100. ये 1, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ये 2, ये 2, ये 10 पाए. नेक्स्ट, इफ इट ट्रेवल्स फॉर 120 सेकंड, वेरी गुड, वेलोसिटी 0 एंड डिस्टेंस, सॉरी स्पीड 240. फाइनल संग टेन पाए. हे बघ मनमत, 120 सेकंड है, एक राउंड के लिए 4 सेकंड लगते हैं, तो टोटल राउंड कितनी कंप्लीट होंगे 30. अगर राउंड कंप्लीट होते तो डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब वेलोसिटी 0, संपल. आता स्पीड साठी, एक राउंड का 2 पायर तो 30 राउंड का 60 पायर. 60 पाए आर मतलब 20 अपॉन टाइम कितना है 120, कैंसिल कैंसिल, ये 6 फिर से ये 10. ठीक है, अब बोला है कि इफ ही ट्रैवल्स फॉर 2 मिनट देन डिस्टेंस, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी 2 मिनट 120 सेकंड. चलो सेम क्वेश्चन है, बस आपको रेडियस दिया है 40 मीटर और बोला है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 40 सेकंड. तो उसके पास अगर 4 मिनट है तो वो कितना वेलोसिटी एंड कितना स्पीड होगा. वेरी गुड, काय 6 वेलोसिटी. स्पीड परत तशीच, पहिले तर वेलोसिटी चुकलंय तुमचं, वेलोसिटी विल बी 0. 4 मिनिट म्हणजे किती सेकंद, डिवाइड बाय 40, 6 राउंड कंप्लीट. 6 राउंड जर कंप्लीट झाले तर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तर वेलोसिटी. स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फिर से 6 × 2 πr, आर कितना है 40, टाइम कितना लेना पड़ेगा पूरा 240, कैंसिल कैंसिल, 1 6 6 6 कैंसिल 2π. ये लगले आता कळायला लागले प्रथमेश कन्हैया, अजून वेग क्वेश्चनची मी 15 एक्झाम्पल घेतले, कळालं ना. सातवीच्या पोरांना पण एवढं शिकवलं तर ते बघितलं बघितलं ॲन्सर सांगायला लागतील, मंदबुद्धींनो. एकच गोष्ट आहे परत परत तेच. चला, इफ इट ट्रॅव्हल्स फॉर 10 मिनिट, वेलोसिटी 0 आणि स्पीड 2π. हे बघा कसं, 10 मिनिट मतलब कितने सेकंद, 600 सेकंद. अगर एक राउंड के लिए 40 लग रहे तो कितने राउंड कंप्लीट होंगे 15. अगर 15 राउंड कंप्लीट हो रहे तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0. एंड स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से 15 × 2πr, आर कितना है 40, टाइम कितना है 600, 0 0, ये 1, ये 4, 4 4, कैंसिल पर 2π. नाउ इफ ही ट्रॅव्हल्स फॉर 3 मिनिट, अगेन वेलॉसिटी विल बी 0. असं नाही होत मनमत, सोडून मग सांगायचं.
काय वेलोसिटी अराउंड 4.5, व्हेरी गुड. काय अराउंड 4.5 आहे, मग काढा आता. 3 मिनिट मतलब कितने 180 अपॉन 40 मतलब 4.5. याचा अर्थ काय, 4 राउंड कंप्लीट एक अर्धा. 4 राउंड कंप्लीट हो रहे मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन आधा राउंड है तो पॉइंट आएगा डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर 2R. R कितना है 40, मतलब ये आ गया 80. टाइम कितना लग रहा है 180, तो ये बनेगा 80 अपॉन 180. तो ये 80 80 गेट कैंसिल, कितना होगा आंसर? अरे काय वन, अरे काय एडे वेडे झाले का तुम्ही, असे कॅन्सल होतं का 80 80? अरे कुठं डोके तुमचे, मग कसं काय हो म्हणता? 0 0 कॅन्सल, 8/18 किती येईल? 0.46 4 4 4 4, बर म्हणजे त्याला 4.5 घेऊन टाकू आपण मीटर पर सेकंड. 1 to 1, 80 80 कॅन्सल, तर कॅन्सल. ये क्या था, वेलॉसिटी थी. अब स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 राउंड कंप्लीट है तो प्लस पाई आर, कितना आ रहा है 9 पाई. आर कितना है 40, टाइम कितना है 180, कैंसल कैंसल 1 2, मतलब ये 2 पाई. खड़ा लगला था. चलो नेक्स्ट, आपको बोला है कि सेम पर्सन है, सेम ट्रैक पे चक्कर मार रहा है, टाइम भी सेम दिया है एक चक्कर के लिए, और वो क्या कर रहा है 10 × 3/4 इतने राउंड कंप्लीट कर रहा है. इफ ही कंप्लीट्स 10 × 3/4 राउंड, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड स्पीड. काय, अरे राउंड त्यांनी दिले ना 10 × 3/4, याचा अर्थ काय होतो 10 राउंड कंप्लीट झाले, आणि जो लास्ट वाला होता तो किती कंप्लीट झाला 3/4. आता 3/4 म्हणजे सर्कलला जर आपण 4 पार्टमध्ये डिवाईड केलं आणि तो जर इथून निघाला तर 4 पैकी 3 कंप्लीट केले, म्हणजे त्यांनी एवढा सर्कल कंप्लीट केला आहे. जर त्यांनी म्हटलं असतं 1/4 तर आपण काय केलं असतं, 1/4 राउंड कंप्लीट हो रहा है, म्हणजे तो इथून निघाला असता आणि 4 पैकी 1 कंप्लीट केलं असतं, म्हणजे इथं आला असता. कळलं का? अगर 2/4 बोला होता तो इथं आला असता. ठीक आहे, आता इकडे बघा, 10 राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, अँड 3/4 राउंड का डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करने के लिए स्ट्रेट लाईन से कनेक्ट करना पड़ेगा, अँड सर्क्युलर ट्रॅक पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मुला मैंने दिया था 2R. तो यहाँ पे थीटा कितना है 90/2, साइन 45, 1/√2. तो ये 2R/√2 आ रहा है, सिंप्लीफाई करके बन जाएगा √2R. ओके, क्या ये √2R डिस्प्लेसमेंट फाइनल का फक्त 3/4 राउंड सर, दोन्ही सेमच है ना, इकडे गबाळ्यांनो 10 झिरोच होतं ना. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है √2 टाइम्स ऑफ आर, आर कितनी है 40, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 40√2. टाइम कितना लग रहा है, टाइम दिलास नहीं है, 40 एक राउंड साइड हो तो टोटल किती येईल
कोमल नहीं, अरे मन मध्य सांगून नाही येत बाकी. हे बघा, एक राउंडला 40 सेकंद, 10 राउंड के 400, हे तर झालं. 3/4 राउंड के कितना होगा? एक कंप्लीट राउंड के लिए 40 लगता है, आधे राउंड के लिए उसका आधा लगता है, तो 3/4 राउंड के लिए कितना लगेगा? उसके 3/4 यानी 40 × 3/4. नहीं कळत आहे, बडबड न करू दे, ते पण समजून घ्या पहिले. हे कळलं का? हां, ते बॉर्डर बघून मल्टीपल डिव्हिजन करून सांगू नका मला, मी काय सांगतोय ते समजून घ्या. कितना होगा पीरियड? 10 मतलब ये 30, तो कितना आएगा 400 × 30? ॲडिशन करावं लागेल ना बाळा, मल्टिप्लिकेशन इथलं मल्टिप्लिकेशन करतो. 10 राउंड का 400, त्याच्यानंतर 3/4 राउंड का 30, बघा ना मल्टिप्लाय करावं लागेल की ॲड करावं लागेल? ॲड करावं लागेल ना. कितना आहे का फिर टाईम? डिस्प्लेसमेंटचा 40√2 आणि टाईम कळलं सगळ्यांना? कॅन्सल कॅन्सल, तो ये 4√2/43 मीटर पर सेकंद, ही होगी आपकी वेलॉसिटी. कळलं का शुभम? कर अब स्पीड कॅल्क्युलेट करो. स्पीड कशी काढायची आता माहिती आहे? काढा बरं. सोडवताय का विनाकारण? माना खाली घालून घेतलं फक्त. देखो क्या होगा, 10 राउंड कंप्लीट हो रहे, तो एक राउंड में 2πr, तो 10 राउंड में 10 × 2πr प्लस, अगर एक राउंड में 2πr था, 10 राउंड में 10 × 2πr था, तो 3/4 राउंड में 10 राउंड के लिए 10 × 2πr, तो 3/4 राउंड के लिए 3/4 × 2πr ना, नाही कळत आहे. और कुठे गेले तुमचे ब्रेनचे सेन्स बिन्स? काय डोक्याचा करोना झाला का सगळ्यांना? हे चिकन मुनिया, ठीक आहे. यहाँ पे क्या होगा, 3/4 × 2πr कळलं हे. आता यांना ॲड करायची. शुभम कर, 2πr + 2πr असं नाही करत ना बेटा ॲडिशन, याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. पहिले हे किती येईल? 20πr प्लस 3/2 म्हणजे कितना आहे का फिर? कळलं काय हे? डिस्टन्स आहे. क्या ये डिस्टन्स? अभी डिस्टन्स आ गया, स्पीड चाहिए. कैसे कॅल्क्युलेट करेंगे? 21.5πr अपॉन टाइम कितना है? 430, आर 40 ना, अपॉन 430, ये 0 0 गेट कैंसल, ये 1, ये 2 मतलब 2π, बरोबर ना? याचा अर्थ तुम्ही मॉडेल मधले क्वेश्चन सोडवलेलेच नाही आहे. स्पीडचेच येत नाही तुम्हाला, वेलोसिटीचे काय? जोपर्यंत सांगितलेलं वर्क नाही करणार तोपर्यंत हे नाही येणार बेटा, कळाल ना? सोडवले काल शुभम कर? मग किती वेळा सोडवले? एकदा सोडून आपण न्यूटन आहे का आइन्स्टाईन आहे, त्यांना पण येत नव्हते एकदा करून. आपल्याला 10-10 वेळा सोडवावं लागेल बेटा, तेव्हा येईल. करे बद्री, तू मोठा मोठा गप्पा आणतो, 4 वेळा सोडून झालं म्हणतो, एक आन्सर सांगा ना तू. तर आहे की नाही मॉड्यूलमध्ये असे क्वेश्चन आहेत की नाही? असेच क्वेश्चन सगळे तिकडे येतो, तिकडे का नाही येते? मग घरी सोडवेल तू? मग इथं विचारला काय, घरची घेऊन यायची नाही तर? मग 4 वेळा सोडून जर आपल्याला येत नाही आहे तर 40 वेळा सोडव बेटा. आपली जी स्टेटस आहे, आपली जी कंडिशन आहे, तिथून आपल्याला लिफ्ट करायची. फॉर्म्युलेटी एक वेळा सोडवलं झालं, आपण कोण आहे?
काय भक्ती आहे का मॉडेल पाहायला वेळ आहे मोबाईलमधून कोमल आरती काय ऐकलेली नाही मॉड्यूल काल मग कसं का तुम्हाला द्यायला पाहिजे होतं बेटा तुम्ही इतक्या मंद नाही आहे बट इतक्या नाही आय नो नाही व्हेलॉसिटी सोडून द्या स्पीड तरी यायला पाहिजे ना त्यामुळे मी दोन्ही घेतो आहे ना कंबाईनमध्ये तुम्हाला स्पीड माहिती आहे कम्पेअर करून व्हेलॉसिटी कळावी म्हणून स्पीडचे 12 वाजले आणि व्हेलॉसिटीचे तर वाजलेच नाही चला नेक्स्ट इफ अ पर्सन ट्रॅव्हल्स अलॉंग इफ अ पर्सन ट्रॅव्हल्स अलॉंग ए बी सी डी इफ अ पर्सन ट्रॅव्हल्स अलॉंग ए बी सी डी ॲज शोन इन द गिवन डायग्राम देन कॅल्क्युलेट द स्पीड अँड व्हेलॉसिटी and calculate the speed and velocity. Calculate the speed and velocity. Any speed?
बा तुम कशा मधे हाँ Recording stop.